पिंपल, मेरे बेदाग माथे पर आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। वाह, तो तुमने ये डॉक्यूमेंट खुद तैयार किया है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा। हाँ, कितने दिनों बाद इतने लेट से काम पर जा रही हूँ। मजा आ गया। हेलो जी, उन आज रात क्या खाया जाए? ये मैं हूँ, और कौन? सेक्रेटरी? मेरा मतलब केमिंसो, तुमने मेरा नंबर डिलीट कर दिया ना। तुम्हें हुआ क्या है? कल तो तुम इसी चीज को बहुत मीठा मीठा बोल रहे थे। भलाई क्या बकवास हुई कि मैं अपनी जिंदगी खोज रही हूँ। लगभग 8 घंटे रोज का काम, मतलब 9 सालों में 1800 घंटे। सेक्रेटरी किम ने 9 सालों से वीकेंड्स और छुट्टियां भी नहीं ली है, तब कुल मिला के 59,130 घंटे हुए। उसने मेरे साथ एक लंबा समय बिताया है, फिर वो कैसे कह सकती है कि उसका कोई मतलब ही नहीं था? उसने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं। अफसोस, कहीं मुझसे ज्यादा प्यार करके उसे तकलीफ तो नहीं पहुंची। माना कि किम काम में माहिर है और तुम्हें उसके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है, पर फिर भी लगता है तुम उस पे ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसे पसंद करते? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो इतना क्या परेशान हो रहे हो? सेक्रेटरी किम के अलावा तुम किसी भी औरत को छूने नहीं देते। सच कहूं तो तुम्हारे आसपास लड़कियों की भरमार है। मैंने तुमको पहले कभी किसी से लिपटा चिपटी करते नहीं देखा। क्या तुमको औरतों से कुछ डर लगता है? मुझे बस औरतों से नफरत है। सेक्रेटरी वो अलग है, वो भी तो एक औरत है। सेक्रेटरी किम बस किमिस हो है। जाने दो, मैं चलता हूं। क्या कह रहे हो? ये रही वीकली रिपोर्ट। क्या आप इसे ऐसे ही पी लेंगे? मैं गर्म कर दूं? नहीं, ऐसे ही ठीक है। हाँ, आपको इसे गर्म करना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है। कोई नहीं, ऐसे ही खा लूंगा। अरे इसे गर्म करके पीना होता है, मुझे दीजिए। सॉरी, मैं इसे सिर्फ गर्म करना चाहती थी। चाहे तुम इसे गर्म नहीं कर पाए, लेकिन तुमने मुझे गुस्से से गर्म कर दिया है। वैसे सेक्रेटरी सियोल, क्या तुम नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही हो? जी नहीं,
मैं तो हमेशा से आपके साथ ही रहूंगी। हमेशा? जाओ। ओके। तुम्हें सेक्रेटरी के दिशा निर्देश पता है ना? तुम्हें बिना बोले जल्दी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बिना एक्सपीरियंस और काबिलियत के होते हुए भी ऐसा काम किया था। तुम अच्छा काम करोगी। और वो आखिरी बात जो मैं मेरी जगह लेने वाली सेक्रेटरी से कहना चाहती हूँ, मेरे रिजाइन करने का रीजन और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैं सो नहीं पाया, लेकिन तुम अच्छी लग रही हो। आपकी वजह से मैं बहुत अच्छे से सो पाई। आपके चेहरे पर पिंपल कैसे हो गया? क्या मैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर यून को कॉल करूं? रहने दो। या फिर डॉक्टर जियोन से नींद की दवा लिखवा लेती हूँ। क्या तुम्हें अब भी मेरी फिक्र हो रही है? क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे फिक्र है। तो क्या तुम सेक्रेटरी किम हो या किम मिस हो? आप कहना क्या चाहते हैं? एक्सक्यूज मी सर, किम की सब्स्टिट्यूट आ गई है, क्या मैं भेज दूं? उसको अंदर आने का बोलो। सेक्रेटरी किम तुम भी आओ, तुम्हारी सब्स्टिट्यूट जो है। जी। सर, मैंने कुछ क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं। किम जी, अगर तुम सेक्रेटरी किम बन गई तो तुम्हें कैसे बुलाया जाएगा, सेक्रेटरी किम या किम जी? मैं सेक्रेटरी किम जी हाँ द्वारा जानी चाहूंगी, किम जी हाँ, ना कि सेक्रेटरी किम। सेक्रेटरी किम, तुम भी सवाल पूछो। हाँ, क्या तुम सेक्रेटरी के कर्तव्यों के बारे में बता सकती हो? जैसे किसी बच्चे का ध्यान रखना होता है, वैसे बॉस का ध्यान रखना चाहिए। ये बताओ कि तुम्हारे ख्याल से एक सर्वगुण संपन्न बॉस के लिए काम करना कैसा होगा? मुझे तो बहुत खुशी होगी। क्या तुम 100% बॉस के साथ 100% मेल खा सकती हो? क्या तुम ऐसे इंसान के साथ खुश रह सकोगी? ये तो बहुत मुश्किल होगा ना। क्या तुम यकीन दिला सकती हो कि तुम पर्सनल कारण जैसे मामूली बहाने देकर नौकरी नहीं छोड़ोगी? जी हाँ, मैं यहाँ मरते दम तक काम करूंगी। हो सकता है यहाँ नौकरी करते समय तुम्हें सच में जान देनी पड़े। क्या इतना मुश्किल है? पूरे कोरिया में नौकरी का मुआवजा सबसे ज्यादा यहाँ मिलेगा। मुआवजा अच्छा जरूर मिलेगा, लेकिन तुम अपनी पहचान खो देगी, तुम सिर्फ सेक्रेटरी किम बनकर रह जाओगी। तो किमिसो, जो समय तुमने यहाँ बिताया वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं था? अगर आप मुझे चुनेंगे तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। तुम पास हो गई। सच्ची? असिस्टेंट पार्क, सेक्रेटरी किम जी हाँ को जगह दिखाओ। ये बनेगी नहीं सेक्रेटरी किम। और सेक्रेटरी किम, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सेक्रेटरी किम को बिल्कुल अपनी तरह बनाओ, और फिर तुम जा सकती हो। जी शुक्रिया। एक मिनट, तुम अपनी जिंदगी खुद खोजोगी, इसका मतलब क्या था? मैं अब तक सिर्फ काम ही करती आ रही हूँ, तो मैं अब अपने लिए समय निकालना चाहती हूँ। और मैं 29 ईयर्स की हो चुकी हूँ, मुझे अब किसी से प्यार करके शादी करनी चाहिए। क्या? क्या हुआ, अचानक से हम सबसे मिलने का वक्त कहाँ से आ गया? माफ करना, अब से मेरे बगैर मिलना मत, अब से मेरे पास टाइम ही टाइम है। तुम समाचार में थी, ठीक वाइस चेयरमैन की बगल में। तुम कितनी कूल थी, एकदम सही कहा मिसो, हम सब में से तुम ही तो ज्यादा पढ़ती थी। क्यों? एकदम करियर वुमन। मैं तो यार बहुत जेलस हूँ, मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ रह गई, बच्चे को ख्याल रखो, मैं तो थक गई हूँ। कम से कम तुम हाउसवाइफ तो हो, मुझे देखो, मुझे काम के साथ दो बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। मीसो शादी मत करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर तुमने भी शादी कर ली तो तुम्हारे पास भी ये सब स्टोरी होगी। ऐसा क्या? लेकिन ड्रैगन में क्या बुराई है? सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये क्या है, मेंस रुमाल, नेक टाई और लाइटर? ये बैग किसका है? मेरा है,
पता नहीं वाइस चेयरमैन को कब इसकी जरूरत पड़ जाए। हाँ, यही है एक करियर वुमन की जिंदगी। पापा बस आ गई। हाँ बेटा, हाँ हाँ, अब पैर संभाल के। वाह, मैं वो वाली सीट पे बैठूंगा। कितनी सुंदर बस है पापा। हाँ बेटा, हाँ। क्या आपका नाम सेक्रेटरी किम है? नहीं नहीं। हाँ, किम मिनसो। ये लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने लिए जरूर समय निकालना। तुम्हारी फॉर्मर सेक्रेटरी किम मिनसो। अपना खुद का वक्त, जिंदगी, डेटिंग, शादी। वो इस तरह की चीजें मुझे कैसे कह सकती है, मानो कि मैं कोई अजनबी हूँ। कौन? मैं कैसा हूँ? क्या? मैं कैसा हूँ? इसमें नया क्या है? बेशक आप तो परफेक्ट हो। सभी चीज, अच्छे दिखने वाले, लंबे, अच्छे व्यवहार वाले और सेक्सी। तो फिर सेक्रेटरी किम ने ऐसा क्यों किया? क्या सेक्रेटरी किम ने क्या किया? क्या आप मेरे सामने किसी और औरत के बारे में बात कर रहे हैं? कौन है? सर, आप इस वक्त यहाँ? पहले अंदर आइए। मुझे ऑर्डर मत दो, मैं बाहर ही बात कर लूंगा। जरूर। डेटिंग और शादी, क्या तुम सीरियस हो? क्या आप इतनी दूर से इस वक्त सिर्फ यही पूछने आए हैं? एकदम अचानक क्यों? क्या तुम्हारी किसी से मुलाकात हुई है?
सर क्या आप गुस्से में हैं? नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जिस मर्जी से मिलो, मैं क्यों नाराज होऊंगा। वही तो, बस मेरे सवालों के जवाब दो। ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं छिप कर मिलती। होना भी नहीं चाहिए। क्या? क्या? मेरे पास आपसे चोरी छिपे किसी और से मिलने की कोई वजह नहीं है, और वैसे भी मेरे पास टाइम कहाँ था। मैं हमेशा सुबह काम के लिए निकल जाती थी और कोई अंदाजा नहीं होता कि वहाँ से कब निकलूंगी। आप जब भी कॉल करते थे, मेरे सोने के समय भी मैं उठकर वहाँ आती थी। तो तुम ठीक से नहीं समझा पा रही हो। अगर मैं आपके साथ काम करती रही तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी और मेरी एज निकल जाएगी। सिर्फ इसी वजह से? सिर्फ इसी वजह से? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी तो उस समय बेरोजगारी में मुझे कौन सहारा देगा? ठीक है, तुम ताउम्र नौकरी कर सकती हो। मुझे ये भी पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं और समय के साथ साथ और भी अकेली हो जाऊं। अच्छा, तो शादी करने के लिए तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जी। तुम शादी करने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो? जी। तो फिर अपना काम जारी रखो। मैं ली योंग जून तुमसे शादी करेगा। Go.